दोस्तों, बहुत से लोगों को यह परेशानी होती है कि वह बहुत ही जल्द बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारियां तो साल भर उनके साथ चिपक कर ही रहती है। इतना ही नहीं, ये लोग ना तो गंदगी बर्दाश्त कर सकते हैं और ना ही कुछ बाहर का खाना इन्हें पचता है। जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका एकमात्र और बहुत बड़ा कारण है उनके शरीर में इम्यूनिटी पावर यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना। चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे रोग प्रतिरोधक शक्ति को कैसे बढ़ाएं और क्या फूड खाएं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रोग प्रतिरोधक शक्ति कम कैसे होती है। जिनका वजन ज्यादा है या फिर कम है धूम्रपान और शराब का सेवन अधिक करने की वजह से, शरीर को जरूरत के अनुसार पोषण ना मिलना, दर्द को दूर करने वाली दवाओं का सेवन ज्यादा करना, शरीर की साफ सफाई पर ध्यान ना देना, ज्यादा टेंशन लेना और खाने पीने का ध्यान ना रखना यानी कि असमय खाना खाना, पूरी नींद ना लेना और शरीर को आराम ना मिलना। अब देखते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के घरेलू नुस्खे और उपाय। आजकल हवा में कई तरह के हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस मौजूद हैं जो सांस के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे में हमारा इम्यून सिस्टम हमें इनसे बचाता है, पर जब इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है तब हवा में मौजूद वे वायरस हमारे शरीर में बढ़ने लगते हैं। बुखार, सर्दी, जुकाम और खांसी इसकी पहचान है। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के तरीके में ग्रीन टी बहुत ही उपयोगी है। रोजाना इसके एक या दो कप पीना इम्यूनिटी पावर के लिए अच्छा होता है। ध्यान रहे, इसका ज्यादा सेवन करने से नुकसान भी हो सकता है। शरीर को इन्फेक्शन से बचाने में विटामिन सी काफी फायदेमंद है। नींबू और आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। बॉडी को हेल्दी रखने और इम्यूनिटी बढ़ाने में योगा और एक्सरसाइज करने से भी हेल्प मिलती है। साथ ही यह बॉडी डिटॉक्स करने में भी उपयोगी है। शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में कच्चा लहसुन दवा का काम करता है। लहसुन में विटामिन ए, सल्फर और जिंक होता है जो इम्यूनिटी इंक्रीज करने में उपयोगी है। आप रोजाना खाली पेट 2 से 3 कच्चे लहसुन की कलियां खा सकते हो। आप सुबह ना खा सको तो दोपहर के खाना खाने के 2 घंटे के बाद इसका सेवन कर सकते हो। मोटापा ज्यादा होना या फिर कम होना भी इम्यूनिटी कमजोर होने का एक वजह है, इसलिए वेट को कंट्रोल में रखना बहुत ही जरूरी है। रोग प्रतिरोधक बढ़ाने के लिए आप कुछ दिनों तक अश्वगंधा का दूध भी पी सकते हैं। आप 15 दिनों तक रोज रात को सोने से पहले लगभग 5 ग्राम अश्वगंधा पाउडर 1 गिलास दूध में डालकर पी लीजिए। इससे भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत तेजी से बढ़ती है। इसके अलावा विटामिन डी से शरीर को बीमारी से लड़ने की ताकत मिलती है और साथ ही ये दिल के रोग दूर करने व हड्डियां मजबूत करने में भी असरदार है। बादाम में विटामिन ए ज्यादा होता है। हर रोज 8 से 10 भीगे बादाम खाने से शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा पाचन शक्ति ठीक करने में भी ये अचूक इलाज है। फ्रूट्स में आप अनानास खाइए, संतरा खाइए। इसमें विटामिन सी होता है जो शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है और साथ ही साथ इम्यूनिटी बूस्ट करता है। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फूड में हरे पत्तेदार सब्जी सबसे अच्छा फूड माना जाता है। पालक में फोलिक एसिड होता है जो शरीर में नए सेल्स बनाने व पुराने सेल्स ठीक करने में उपयोगी है। पालक में फाइबर, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी भी होते हैं जो शरीर हेल्दी रखते हैं। आपको हफ्ते में 1 या 2 दिन तो पालक जरूर खाना चाहिए। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ में मशरूम खाने से भी फायदा होता है। आप पूरे दिन में कोई ना कोई ड्राई फ्रूट्स का सेवन जरूर करें। इनमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए जरूरी पोषक तत्व है। साथ ही इसमें फाइबर, जिंक, मिनरल्स और आयरन भी होते हैं जो हमें हेल्दी रखते हैं। ब्रोकली कहीं मिले तो ब्रोकली का सेवन कीजिए। ब्रोकली में विटामिन सी और ए होता है जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाला फूड है। इससे बॉडी को प्रोटीन और कैल्शियम भी मिलता है। चलिए अब ये देखिए कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाना है। आहार में बच्चों को हरी सब्जियां खाने को दें। इनमें विटामिन सी, ए और कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने में उपयोगी हैं। पूरी नींद ना मिलना रोग प्रतिरोधक शक्ति को कम होने का एक वजह है। बच्चों का इम्यून सिस्टम मजबूत हो उन्हें इसके लिए 10 से 12 घंटे की नींद चाहिए। छोटे बच्चों को कोई भी मेडिसिन देने से एक बार पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें और दर्द दूर करने वाली दवा का प्रयोग भी कम करें। बीड़ी और सिगरेट के धुएं से बच्चे को दूर रखना चाहिए। इससे भी प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हो पाती।
दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के घरेलू उपाय और तरीके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी का फायदा उठा सके। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।